गुड मॉर्निंग। आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बाबा से मिलने जा रही हूँ और बाबा को जल अर्पित करूँगी। बाबा यानी कि केसरनाथ, हमारे बिहार में एक केसरनाथ हैं जो कि केसरिया में पढ़ते हैं, तो उन्हीं के यहाँ मुझे जाना है। और एक पंथ द्विकाज यानी कि माँ को भी लेकर के जाना है उसके यहाँ, मेरे मायके में, माँ के घर, माँ का यानी कि देवरानी के लड़के की जनेऊ है, तो उसमें भी शामिल होना है। तो जिस वजह से माँ मेरी बीमार थी तो मैं माँ को लेकर के चली आई थी, तो अब स्वस्थ हो चुकी है, तो बोली कि जो उसमें मैं मुझे शामिल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बोली कि जी चलो मैं जल्दी दे दूँगी बाबा को और तुमको भी छोड़ दूँगी, वहाँ पर सभी लोग मिल जाएंगे तुमको, तो इसीलिए मैं खुश भी हूँ। और माँ जा रही है, अकेली है, तो इसलिए थोड़ा सा दुख हो रहा है कि माँ अकेली पड़ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर मैं चलूँगी, बाबा के दर्शन करूँगी। और आप लोग भी बने रहिए मेरे ब्लॉग पर और मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल ना करें। और मुझ में क्या कमी है, इस कमी को आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप लोग ही बता सकते हैं अच्छे से कि जी मैं कहाँ पर कुछ चूक रही हूँ या सही कर रही हूँ, तो आप लोग अपने कमेंट ज़रूर दें। तो मैं फिर बाबा के दरबार में मिलती हूँ आप लोगों से। माँ मेरी तैयार होकर के बैठी हुई है, इंतजार कर रही है और बोल रही है कि जी क्या कर रही हो, लेट हो रहा है, चलो जल्दी, नहीं तो छूट जाएगा। यहाँ पर वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का भी पूजा होने वाला है, फिर हल्दी का भी रस्म होगा, फिर वहीं पर जनेऊ भी है, तो सारी रस्म आप लोग देखिएगा। देखती हूँ मैं क्या क्या पकड़ पाती हूँ, यानी कि रस्म क्या क्या पकड़ पाती हूँ और क्या क्या छूटता है, क्योंकि यहाँ से जाने में टाइम भी लगता है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी केसरनाथ बाबा के दरबार में, वहाँ पर मिलती हूँ आप लोगों से। आ गई माँ। तो नहीं, इधर देखिए।
ये दोनों भाई है हम लोगों का। हल्दी का रस्म पूरा हो रहा है। कौन बाकी है? लड़का भी नहीं बाबुआ के सिया आ बाबुआ मोर दुलारुआ बाबुआ आज मा हो धीरे धीरे बाबुआ के दोनों मामी लोग आता नहीं है ये आगे की प्रक्रिया शुरू हो बिना रुसे हुए में पहले ही मिल जा रहा है तो रुसने की आवश्यकता ही नहीं है। लगा दो आए चुन चुन ये मेरी
मेरी बहन है, बहुत दिन पर इससे मुलाकात हो रही है मेरी, और वो भी बाबा के दरबार में, बाबा केसरनाथ के दरबार में। ये मेरी बुआ जी है। ये कौन तोर बेटी उठी होगी? अरे नहीं जी, ये मेरे वीडियो में जाएगा। हमने कौन को वीडियो दिखाई बड़े सर? नहीं, मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो में जाएगा, इसलिए मैं बुआ जी के लिए। अरे मुँह में कटी भोटिया ही ना बताई कटी चौकी साफ का था वापस कि खुदे को दे जरा हटिएगा तो साइड हो जाइए, एक सेकेंड आप फोटो। ए बाबू बैठ जा बेटा, प्रणाम करो प्रणाम करो। हाँ इतना छोटा ना लगा लगाओ लगाओ कोई बात नहीं। आज मैं केसरिया जनऊ में शामिल होने के लिए माँ के साथ प्रस्थान की हूँ और केसरिया बाबा के दरबार में हाजिर हुई हूँ। यहाँ पर मेरे दो भाई का जनऊ हुआ है और यहीं से माँ मुजफ्फरपुर या नवादा के लिए प्रस्थान करेगी। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देख लिए, जनऊ का प्रोग्राम होने वाला है। चाचा हैं, इन्हीं के दो लड़के की जनऊ हुई है और लड़की की शादी होने वाली है, तो लड़की भी आई है, जनऊ हुआ है दो लड़के का। मैं माँ को छोड़ करके आ गई, माँ अपने घर चली गई और वहाँ का पूजा भी संपन्न हो गया। जनऊ आज के दिन ही टोटल काम हुआ है, हल्दी का भी रसम हुआ है, सत्यनारायण भगवान का भी पूजा हुआ है और जनऊ भी हुआ है, तो सब भी अच्छे से पूरा हो गया और हम लोग काफ़ी इंजॉय किए। आप लोग ज़रूर देखेंगे कि कितना इंजॉय हुआ है बाबा के दरबार में केसरनाथ के। और लेकिन यहाँ पर मेरा रूम माँ के बिना सूना सूना सा लग रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो फिर मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद आप सभी लोगों का।